कर्ज से परेशान प्रयागराज के युवक ने गोरखपुर शहर के धर्मशाला बाजार स्थित एक होटल कैलाश इन के कमरे में फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। वह पिछले एक माह से होटल के कमरे में रह रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर होटल का दरवाजा खोलकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को मृतक के कमरे से 2 पेज का सुसाइड नोट मिला है। प्रयागराज जिले के नैनी क्षेत्र के लेबर कॉलोनी निवासी उमानंद मिश्रा का 38 वर्षीय बेटा आशीष एक हर्बल कंपनी में ACM के पद पर तैनात था। वह 8 सितंबर से ही धर्मशाला बाजार स्थित होटल कैलाश इनके कमरा नंबर 381 में ठहरा हुआ था। शनिवार को पूरे दिन आशीष कमरे पर ही था। पूरे दिन सर्विस कॉल नहीं आने पर होटल के कर्मचारियों को संदेह हुआ। तब शाम को कर्मचारी कमरे के सामने पहुंचकर गेट खुलवाने की कोशिश करने लगे। गेट नहीं खुलने पर उन्होंने गोरखनाथ पुलिस को सूचना दी। धर्मशाला चौकी के पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में कमरे का दरवाजा खोला गया तो आशीष गमछे के सहारे पंखे से फंदा लगाकर लटका हुआ था। पुलिस शव को नीचे उतरवाकर कमरे की तलाशी ली तो 2 पेज का सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने लोन और कर्ज से परेशान होकर सुसाइड करने की बात लिखी थी। पुलिस परिजनों को घटना की जानकारी देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। घटना की सूचना पर रविवार को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृतक आशीष के पिता उमानंद मिश्रा ने बताया कि कंपनी के काम को लेकर कुछ दिनों से परेशान चल रहा था। 2 भाइयों में बड़ा आशीष एक 6 वर्षीय बेटे का पिता था। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। इस संबंध में SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि गोरखनाथ थाना क्षेत्र के होटल कैलाश इनके कर्मचारियों द्वारा शनिवार को सूचना दी गई कि आशीष मिश्रा नाम का एक व्यक्ति है जो काफी दिनों से होटल में रह रहा है, वह अपना गेट नहीं खोल रहा है, जिसकी सूचना पर गोरखनाथ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और वीडियोग्राफी करके गेट तोड़ा गया तो पाया गया कि एक व्यक्ति फंदे से लटका हुआ है, जिसकी पहचान आशीष मिश्रा के रूप में हुई है, जिसके पास से एक सुसाइड नोट बरामद किया गया है, जिसने मृतक आशीष ने लिखा है कि पापा जी मुझे माफ़ करना, मैं अच्छा बेटा, पिता और पति नहीं बन पाया। आप सब लोगों को मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। मैंने सबकी लाइफ बर्बाद कर दी। मैंने सब अच्छा करने की कोशिश की पर नहीं कर पा रहा हूँ। सॉरी पापा, आई लव यू। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, के थाना गोरखनाथ क्षेत्र में एक होटल कैलाशिन के कर्मचारियों द्वारा कल थाना को बताया गया कि एक व्यक्ति है जो यहाँ काफ़ी समय से रह रहा है होटल में, वो आज गेट नहीं खोल रहा है। इस पर थाना पुलिस आई और होटल के कर्मचारियों के साथ में वीडियोग्राफी कर गेट तोड़ा गया तो पाया गया कि एक व्यक्ति फंदे से लटका हुआ था। उसका नाम आशीष मिश्रा बताया जा रहा है और वह व्यक्ति इलाहाबाद नैनी का रहने वाला है। उस व्यक्ति के प्रेस नोट में खुद के घर वालों से परेशान, लोन से परेशान एवं दुनिया पर विश्वास उठ जाने का ऐसा बताया गया है और उसका फील्ड यूनिट द्वारा सर्वे करवाने के बाद में उसका पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया गया है। थैंक यू।